में बैठी हूँ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ भक्तों की जिन्होंने मुझे भागवत में बैठने का अनुग्रह किया। मैं उन सब गुरु बहनों को, उन सब शिष्यों को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और भागवत की कथा को नमन नमन प्रणाम करते हुए अपने आप को बहुत बृहस्पति यज्ञ हरिद्वार में रखा, वहाँ पर सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शंकर को राधे 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 चरित्र हुआ, सुदामा कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ, खड़ा किया है भगवा क्रांति। ये आने वाले समय में भागलपुर की शान रहेगा और अभी ये अयोध्या जाकर के आए हैं, उस पर अपना कुछ अनुभव बताएंगे हम लोगों को। तो व्यास हित शरीर से धर्म नहीं भाई, अर्थात सनातन धर्म हमारा बताता है कि हमें सिर्फ अपनी चिंता न करके जितने भी संसार में जीव है सभी में नारायण का दर्शन करना चाहिए, और जैसा कि अपने को बुरा लगता है वो दूसरों से कभी नहीं करना चाहिए। तो धर्म की रक्षा के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस तरह से हर साल हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हैं और जन जन में ये संकेत देते हैं। केशव प्रेरणा बाल परिवार हमारी जो है ये समिति है, इसके माध्यम से हम लोगों को जागृत करते हैं और कहते हैं आप आगे आइए और गाय की रक्षा कीजिए, कन्या की रक्षा कीजिए और गंगा जो दूषित हो रही है उसको, दूषित गंगा को जो है दूषित होने से बचाइए और उसमें कचरा न डाल करके सिर्फ फूल और अक्षत आदि डालें जिससे कि हमारी गंगा स्वच्छ।